हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आज हम करें संसाधन के रूप में लोग के क्वेश्चन आंसर। तो अगला क्वेश्चन है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? नियोजित का मतलब लगी होती है, निम्न में कम की महिलाओं जो हैं कम वेतन वाले कार्यों में क्यों लगी होती है? देखो वैसे तो आजकल ये बात क्या होगी, खत्म होगी। ये पहले तक इसी रीति की महिलाओं को वेतन पुरुषों से कम दिया जाता था, क्योंकि एक एक धारणा बना लेते थे पुरुष कि महिलाएं क्या होती हैं, पुरुषों से कम बुद्धि वाली होती हैं, शारीरिक रूप से भी वो क्या होती हैं, कमजोर होती हैं। लेकिन ये सारी बातें खत्म हुई, आज समान हम कहते हैं पद के लिए महिला को भी उतना ही वेतन दिया जाता, लेकिन फिर भी यदि क्वेश्चन हमारा आता है तो उसमें हाँ कुछ आज भी हैं हमारे, क्योंकि एक तो महिलाएं आज भी क्या हैं, बहुत सारे परिवार ऐसे जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी महिला को बाहर कार्य करने के लिए नहीं भेजते। मान लो हम कहते हैं कि महिला की ससुराल हमारी क्या है, हिसार में है और उसकी नौकरी चंडीगढ़ में लग जाती है, तो उसको बाहर वहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं भेजते। हालांकि पता है कि वहाँ पर सैलरी 50,000 है हिसार में, उसको 30,000 रुपये मिल रहे, तो वो कम वेतन वाले कार्य पर वही कार्य कर लेगी, लेकिन इतनी दूर अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाएगी। तो कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आज भी महिलाएँ क्या हैं, कम वेतन वाले कार्यों पर नियोजित हैं। खासतौर पर महिलाएं क्या करती हैं, घर के अंदर घर के आसपास ही कार्य करती हैं, जहाँ पर वेतन उसको क्या मिलता है, कम मिलता है। इन समान ये भी है कि महिलाएं जब शारीरिक कार्य करती हैं तो बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं, शारीरिक रूप से महिलाएं क्या होती हैं, प्राकृतिक रूप से ही वो क्या होती हैं, पुरुषों से कमजोर होती हैं, तो वो वाले कार्य नहीं कर सकती। वो किसी डी के ऊपर चढ़ के कार्य करना है, ईंटें नीचे से फेंकने का कार्य करना, तो बहुत ज़्यादा जो शारीरिक बोरी उठाने का कार्य करना है उनमें वो नहीं लग सकती। तो वो तो सिर्फ है तसला भर के मिट्टी डालने का कार्य, ऐसी मजदूरी वाले कार्य करती जहाँ पर उसको वेतन क्या मिलता है, कम मिलता है। बेरोजगारी का अर्थ समझते हैं, तो बेरोजगारी क्या होती है, मजदूरी की वर्तमान दर पर। वर्तमान दर क्या है, आज एक मजदूर की वर्तमान दर क्या है कि 300 रुपये एक दिन की मजदूरी है। उस पर कोई व्यक्ति काम करना चाहता है और उसको काम नहीं मिलता तो उसको हम क्या कहेंगे, बेरोजगार कहेंगे, कि वो अनैच्छिक बेरोजगारी है, इच्छा है उसकी काम करने की लेकिन फिर भी काम नहीं मिलता, तो इसका मतलब वो क्या है, बेरोजगार। लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जब काम मिल रहा है 300 रुपये की दिहाड़ी पर और खुद काम अपनी मर्जी से नहीं करते, तो उनको तो हम क्या कहते हैं कि मस्त हुआ है, बिगड़ा हुआ है, उसको हम बेरोजगार कभी नहीं कहेंगे। तो वो तो ऐच्छिक बेरोजगार है, अपनी इच्छा से बेरोजगार है वो, तो ऐसे व्यक्तियों को हम बेरोजगारी में शामिल नहीं करते, उनको तो हम रोजगार प्राप्त व्यक्ति मानते हैं। तो पूर्ण रोजगार की जब हम काउंटिंग करते हैं तो ऐसे लोगों को तो हम पूर्ण रोजगार के अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उनको छोड़ते नहीं। तो जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, काम नहीं मिलता, तो वो व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो देखो प्रच्छन्न इसको आप क्या कह लो, छुपी हुई बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न है वो दिख नहीं रही बेरोजगारी है, पर फिर भी छुपी हुई है। आमतौर पर क्या कहा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सिर्फ गांव में मिलती है, ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन आज मैं आपको एक वो एग्जाम्पल भी दूंगी कि प्रच्छन्न बेरोजगारी शहरों में भी मिलती है। तो कैसे, तो छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है, क्या होता है, काम पर जितने व्यक्तियों की जरूरत होती है वास्तव में उससे ज़्यादा व्यक्ति लगे हुए होते हैं, और कुछ व्यक्तियों की उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता, उनकी सीमांत उत्पादकता 0 होती है। यदि उनको वहाँ से काम से निकाल करके कहीं कोई रोजगार दिला दिया जाए तो पीछे उत्पादन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। हमने कहा कि एक परिवार में 3 सदस्य पहले क्या कर रहे थे, 5 किलो जमीन थी, खेती कर रहे थे, वो उतनी खेती प्राप्त कर रहे थे। उसके बाद एक लड़का और एक लड़की है, लड़की ने +2 कर ले, घर रख लिया, अब लड़का MA कर लिया, नौकरी नहीं मिली, वो भी खेत में जाना शुरू कर, दिखने में तो कोई सारा रोजगार, लड़का भी खेत में जा रहा है, लड़की भी खेत में जा रही है, लेकिन वास्तव में उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। पहले भी उतना ही उत्पादन 3 बंदे कर रहे थे, 5 बंदे भी उत्पादन कर रहे, उन 2 एक्स्ट्रा जो अब आए हैं उनको वहाँ से निकाल करके शहर में कहीं नौकरी दिला जाए तो पीछे उत्पादन कम नहीं होता। तो लगे तो दिखते हैं वो, यूँ नहीं दिखते, किसी को कसते नहीं, नहीं कि ये फ्री है, फ्री नहीं, वो खेत में जाते हैं काम करने के, ठीक है, बैठने का टाइम बढ़ गया, धीरे धीरे होने लगा काम, तो ज़्यादा बंदे हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें होने लग जाती हैं, लेकिन उनका
उनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं है। पहले भी उतना ही उत्पादन था, अब भी उतना ही उत्पादन है। ये तो था हमारे गांव में। अब शहरों में भी प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। शहरों में क्या होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस पर प्लम्बर है, जो फेरी लगाने वाला है, सब फेरे सब्जी बेच, वो लगे तो दिखते हैं काम, लेकिन उनका जो वेतन इतना कम होता है कि वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते। तो वो भी क्या है, एक छुपी हुई बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी है। दिख नहीं रहा किसी को बेरोजगार है, लेकिन बहुत ही क्या कर रहा, वो मेहनत कर रहा है कि अपनी आवश्यकताओं को मोस मोस के, कि ठीक है एक एवरेज मनुष्य को क्या मिलनी चाहिए, एक मनुष्य को एवरेज रूप से 2400 कैलोरी तो प्रतिदिन मिलनी चाहिए, लेकिन उनको भोजन से 2400 कैलोरी नहीं मिलती। वो अपनी आवश्यकताओं को अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे। जितना कपड़ा उनको चाहिए, जितना खाना उनको चाहिए, वो नहीं खा रहे। मान लो 2 टाइम सब्जी की ज़रूरत है तो 1 टाइम मिर्च के साथ खा रहे हैं, दूसरे टाइम सब्जी अवेलेबल हो रही है तो उनके लिए कोई साथ में दूध नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, तो उस वो भी हमारे क्या है, प्रचंड रूप से बेरोजगार है। दूसरी बेरोजगारी की बात करते हैं, मौसमी बेरोजगारी। वो मौसम के हिसाब से होती है कि ये भी मुख्य रूप से गांव में पाई जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि गांव के अलावा ये बेरोजगारी शहरों में भी पाई जाती है। तो गांव में क्या पाई जाती है कि गांव में क्या है, एक फसल के बोने में और उसको काटने में बीच में क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ जो टाइम है, समय की जो अवधि है, वो काफ़ी फर्क होता है। उसके बीच में किसान क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। इस प्रकार से गेहूँ बोने और गेहूँ काटने में बीच में काफ़ी टाइम लगेगा, तो बोने के बाद और काटने तक के टाइम में किसान क्या हो जाते हैं, बेरोजगार। एक फैमिली के 5 मेंबर काम कर रहे थे कपास के टाइम में, तो कभी खोदी निकालने, कभी स्प्रे करना, कार्य मिलता रहता है, लेकिन गेहूँ के में बोने में और काटने में काफ़ी समय एक ही व्यक्ति बहुत है, क्योंकि इस पर ज़्यादा मेहनत की जरूरत ही नहीं होती, पानी लगाना वो एक व्यक्ति इनफ है। तो बीच में जो व्यक्ति हैं वो क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी। ये मौसमी बेरोजगारी सभी जगह एक जैसी नहीं होती, ये अलग अलग एरिया में अलग अलग होती है। कहीं तो 1 साल में 3 दिन फसल ले लेते हैं, वहाँ मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। कहीं पर क्या होती है, साल में 1 फसल पैदा करती है, राजस्थान जैसे एरिया जो सूखा एरिया है, वो वहाँ लोग इस मौसमी बेरोजगारी की अवधि क्या होती है, लंबी होती है, काफ़ी लंबे समय तक वो लोग क्या रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। अब हमने कहा कि मुख्य रूप से बुकों में आपको मिलता है कि मौसमी बेरोजगारी सिर्फ गांव में पाई जाती है, शहरों में पाई जाती है, कि व्यवसाय बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कुछ किसी विशेष मौसम में चलते हैं, फिर नहीं चलते। जिस प्रकार से आप देखो कि आइसक्रीम फैक्ट्री है, वो क्या चलेगी, गर्मी में चलेगी, सर्दी में बंद हो जाएगी, तो सर्दी में वो लोग क्या हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। ऊन के जो कारखाने हैं वो कब चलेंगे, सर्दियों में चलेंगे, गर्मियों में बंद हो जाएंगे, वहाँ वो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये दोनों ही जगह पाई जाती है। शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है, तो देखो अनपढ़ लोग तो क्या होता है, कहीं भी एडजस्ट कर लेता है, उस वो बेरोजगारी खतरनाक नहीं है, लेकिन किसी देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, शिक्षित बेरोजगारी। कॉलेजों की संख्या बढ़ गई, शिक्षण संस्था जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं ITI वगैरह, इनकी संख्या बढ़ गई, तो हर कोई BEd MA MPhil कर लेता है, हालांकि चाहे उसको लेटर 10वीं वाला भी ना लिखना है, लेकिन एजुकेशन सबने प्राप्त कर ली। अब वो पढ़ने लिखने के बाद जो मिल नहीं पाती तो क्या हो जाती है, बेरोजगार हो जाती है। जब वो व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं तो मानव संसाधन क्या हो रहे हैं, दुरुपयोग हो रहे हैं, क्यों, उनके माइंड का इतनी अच्छी अच्छी डिग्री प्राप्त किए हुए व्यक्ति भी इंजीनियरिंग कर ली, जॉब नहीं मिलती, अच्छे से इतने बढ़िया मार्क्स से पास किए हुए वाले व्यक्ति को जॉब नहीं मिलती, तो अब हम जिस तरह से 4th क्लास में जॉब देखा तो MPhil PhD किए हुए भी 4th क्लास के पद पर लगे हुए हैं। तो ये किसके कारण हुआ, ये शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी के कारण, कि उनको रोजगार नहीं मिलता, तो वो समाज के लिए क्या है, उतना ही खतरनाक है। खतरनाक क्यों, एक तो हमारी मानव पूंजी बेकार जा रही, जिसका कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता था, जा सकता था। दूसरा, वो शिक्षित हैं, अब खेती कहीं भी तो वो एडजस्ट नहीं हो सकते, वो खेती तो नहीं कर सकते, वो ऐसे कार्य भी नहीं कर सकते कि जो शारीरिक काम जिसमें उनको करना पड़े, क्योंकि वो उनको अब अपने स्टैंडर्ड का नहीं लगता, ना उनको हैबिट है, उनको तो 20 साल से पंखे के नीचे बैठ कर पढ़ने की आदत थी, अब वो उस धूप में जाकर वो कार्य तो करने वाले नहीं, तो उनका माइंड कहाँ चलेगा, किसी न किसी उल्टे कार्य में चलेगा। जितनी बड़ी शिक्षित बेरोजगारी होगी, देश की शांति के लिए उतना ही बड़ा खतरा होगा। ये जो पत्थरबाज हम कहते हैं, ये सारे क्या होते हैं, शिक्षित और बेरोजगार होते हैं, बेरोजगारी कहीं रोजगार कहीं मिलता नहीं, आजीविका कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कोठारी कांड जैसे हम कह रहे, जितने भी
गुटिया से गुटिया कौड़ियाँ होती हैं, जो बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है डकैती की, चोरी की, या और भी हमारे मानव ऑर्गेन्स वगैरह निकालने की। तो ये किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये इन प्लानिंग को अंजाम देने वाला कौन है? एक शिक्षित व्यक्ति का माइंड होता है, जो इतना बढ़िया पढ़े लिख करके डिग्री लेने के बाद नौकरी नहीं मिलती तो वो ऐसे ही करे रहेगा। तो देश की शांति की शांति के लिए, अखंडता के लिए ये लोग क्या होते हैं? खतरा होते हैं। आपके विचार में भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर सकता है? देखो मेरे आपका विचार है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं? प्राथमिक क्षेत्र लिखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो क्या है? गलत है। प्राथमिक क्षेत्र तो कृषि, आप पहले ही कह रहे हो कृषि में तो क्या है, परछन छुपी हुई बेरोजगारी पहले से पाई जाती है। कितने ज़्यादा जनसंख्या को खपाए हुए कृषि, वहाँ से तो लोगों को निकालने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से दूसरे और तीसरे क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? रोजगार के ज़्यादा अवसर सृजित कर सकते हैं। फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ाएंगे तो वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, और शिक्षा के क्षेत्र में यदि हम अवसर बढ़ाएंगे तो वहाँ मिलेगा। द्वितीय और तृतीय का क्षेत्र अब भी ऐसे हैं जिनमें हम काफ़ी जनसंख्या को खपा सकते हैं। तृतीय का क्षेत्र से राष्ट्रीय आय का हिस्सा तो बढ़ गया, लेकिन रोजगार में अभी भी उसका योगदान क्या है? अग्रगामी नहीं है। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रदेश में योगदान हो चुका है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र, लेकिन रोजगार में अभी भी वो बहुत ही पीछे है। तो दूसरे और तीसरे क्षेत्र में हम क्या कर सकते हैं? रोजगार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।